हेलो दोस्तों, आज मैंने बनाए थे मोमोज, क्योंकि बच्चों का था कुछ खाने का मोमोज, तो मेरी बेटी कह रही थी तो मैंने इसको बना कर ऐसे दिए हैं मोमोज। तो मैंने न्यूट्रेला का जो है लिया है सोया क्रंच, उसके बाद मैंने इसे पानी में भिगो के ऐसे जाली वाले बर्तन में रख दिया ताकि अच्छे से साफ हो जाए। फिर मैंने मैदा लिया और उसको अच्छे से गूंद लिया नमक डालकर। ऐसे मैंने इसके आटा गूंद के ऐसे रख दूंगी ढककर थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैंने एक पैन में तेल लेकर ऐसे उसमें कटे हुए प्याज डाल दूंगी, और कटे हुए प्याज डालने के बाद मैं उसमें नमक मिर्ची मसाला डालते हुए उनको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। ऐसे करके मैं उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दूँगी, मिर्ची मैंने थोड़ी कम ही डाली ताकि बच्चों का ज़्यादा मिर्ची ना लगे। उसके बाद मैंने सारा सोया क्रंच डाल के उनको अच्छे से फ्राई कर लिया, और आटे की मैंने छोटी छोटी लोई बनाकर ऐसे छोटी छोटी रोटी बेलते हुए ऐसे मैंने छोटी रोटी बेली है, और उसमें ऐसे इसको मसाले को भरते हुए मैंने ऊपर से बंद करके ऐसे रख दिया। फिर मैंने स्टीम किया इनको पानी के भगोने में रखते हुए जाली के बर्तन में ऐसे रख दिया। स्टीम करने के बाद मैंने इनको डीप फ्राई कर दूंगी ताकि बच्चे स्टीम वाले खाने का मन नहीं होता तो अच्छे से बन जाए। तो मैंने अपने ऐसे बेटे को दिया खाने के लिए, और बताइए कैसे लगा है उनका उसका टेस्ट। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।